सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द थिंकर्स थिंक्स और दबाइए इस बेल आइकन को सबसे तेज जीके अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल द थिंकर्स थिंक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एएलपीएन टेक्नीशियन का फर्स्ट स्टेज सीबीटी एग्जाम 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और दोस्तों इसी को मद्देनजर में रखते हुए आज हम लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट की एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम ग्रुप डी के लिए भी काफी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको 40 क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप उसमें से 40 में से 30 सही कर देते हैं तो सच में आप पढ़ाई कर रहे हैं, वरना आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों, वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कितने क्वेश्चन कर पाए, ठीक है दोस्तों, और मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, रिप्लाई जरूर करूंगा मैं आपको। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बाजीराव किस वंश का शासक था? तो किस वंश का शासक था बाजीराव? आपके ऑप्शन है नंदा, पेशवा, हर्यक या मौर्य। तो दोस्तों, किस वंश का था शासक था बाजीराव? भी पेशवा वंश का शासक था बाजीराव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया? किसने किया प्ले स्टेशन का आविष्कार? आपके ऑप्शन है रेनॉल्ड वी जॉनसन, एस एन जॉर्डरफ, केन कुटारगी या राइट ब्रदर्स। तो दोस्तों, किसने किया है प्ले स्टेशन का आविष्कार? सी, केन कुटारगी ने, ठीक है दोस्तों, प्ले स्टेशन का आविष्कार केन कुटारगी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है प्रकाश तीव्रता मापने वाले यंत्र को? ऑप्शन है ल्यूसीमीटर, क्रायोमीटर, साइनामीटर या बैरोमीटर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, ल्यूसीमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, यही है दोस्तों ल्यूसीमीटर, इसे प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में? आपके ऑप्शन है 19, 30, 22 या 24। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? सी, 22 भाषाएं हैं भारत की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, जैसा कि आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक संविधान या भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओथ ऑफ द वायु पुत्राज शिफ्ट ट्रायोलॉजी के लेखक कौन है? कौन है? ऑप्शन है अमिश त्रिपाठी, चित्रा बनर्जी, दिवा करौनी, रस्किन बॉन्ड या अश्विन संगनी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, अमिश त्रिपाठी हैं द ओथ ऑफ द वायु पुत्राज पुस्तक के लेखक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्फर का कॉमन नेम क्या है, यानी आम नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है फ्रियोन, गैलना, चूना या गंधक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, गंधक, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सल्फर का आम नाम क्या है? गंधक, यही है दोस्तों सल्फर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में HTML का मतलब है, क्या मतलब होता है? ऑप्शन है आपके हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेमोरी लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मैंडेटरी लैंग्वेज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, पुणे या मुंबई। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, मुंबई में आयोजित किया जाता है काला घोड़ा कला उत्सव, ठीक है दोस्तों, जैसा कि तस्वीर में आपको दिख रहा हो। ये तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का हो गया फुल फॉर्म, और ये हो गया काला घोड़ा कला फेस्टिवल कहाँ होता है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन किरणों के कारण त्वचा का नुकसान होता है? एक्स रे, इंफ्रारेड रे, पीली किरणें या यूवी किरणें। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, यूवी किरणें के कारण त्वचा को नुकसान होता है, जैसा कि तस्वीर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत कितनी धनराशि तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की गई है? कितनी धनराशि करनी गई है? तो ऑप्शन है आपके 25,000 रुपये, 70,000 रुपये, 2 लाख रुपये या 5 लाख रुपये। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, 5 लाख रुपये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत देने की घोषणा की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रा योजना के तहत वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 3 लाख करोड़ रुपये धन का आवंटन किया गया है, ये योजना संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बी, उद्यमियों को रियायत दर पर ऋण देना, ठीक है दोस्तों, इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइज योजना जैसे हाल के बजट में शुरू करने की बात कही गई है का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है दोस्तों? आपके ऑप्शन है नई IIT और NIT खोलना, स्कूल बुनियादी ढांचे का जीवर्धन करना, अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद देना या उपयोग सभी। तो दोस्तों, राइज योजना किससे संबंधित है? आपको पता होगा,
बी स्कूल बुनियादी ढांचे को फिर से जीवित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आम बजट 2018 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपालों की वेतन और परिलब्धियां बढ़ाकर क्रमशः कर दी गई। तो दोस्तों कितनी कर गई हैं आपको पता होगा, राष्ट्रपति की कर दी गई है 5 लाख, उपराष्ट्रपति की 4 लाख और राज्यपालों की 3.5 लाख, यानी ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से फाइलेरिया रोग का रोग वाहक कौन है? तो कौन है दोस्तों फाइलेरिया रोग का रोग वाहक? आपके ऑप्शन है एनाफिलीज, एडिस एजिप्टी, मच्छर और डियर मक्खियाँ, या सेट्सी मक्सी की। तो दोस्तों फाइलेरिया जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? इसका सही उत्तर होगा सी, मच्छर और डियर मक्खियाँ। ठीक है दोस्तों, यही दिखते हैं दोस्तों फाइलेरिया सिम्टम्स में, जो कि मच्छर और डियर मक्खियों की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है गुब्बारे में? आपके ऑप्शन है ऑर्गन, नियोन, हाइड्रोजन या हीलियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? डी हीलियम, हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया? कब आया था साइमन कमीशन दोस्तों भारत? ऑप्शन है 1929, 1930, 1931 या डी 1927। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत 1927 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होती है? तो किस रोग के उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल यूज होती है? आपके ऑप्शन है चर्म रोग, मस्तिष्क रोग, हृदय रोग या उदर रोग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, हृदय रोग के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, विश्व में सबसे पहले किस अंक का प्रत्यारोपण संभव हुआ था? तो दोस्तों किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ था? आपके ऑप्शन है तिल, किडनी, यकृत या फेफड़ा। तो दोस्तों किसका हुआ था सबसे पहले? हार्ट मतलब ट्रांसप्लांट, बी किडनी का, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, किडनी का, हार्ट किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था सबसे पहले, ठीक है, वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं कौन है दोस्तों आनुवंशिकी का? तो सभी को पता है डी ग्रेगर मेंडल इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, ग्रेगर मेंडल इसका सही उत्तर होगा, जिन जिनको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिडाल टेस्ट निम्न में से किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? तो दोस्तों बिडाल टेस्ट किसकी बीमारी की जाँच के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है गठिया, डेंगू बुखार, टाइफाइड या एड्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, टाइफाइड। ठीक है दोस्तों, टाइफाइड इसका बिल्कुल सही होगा, जिसमें बिडाल टेस्ट यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक प्रस्तावित समय के भीतर राज्यसभा द्वारा नहीं दिया जाता है तो क्या होता है दोस्तों? इस कंडीशन में विधेयक राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर और सहमति के लिए भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनाया? किसने बनाया था इस महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनाया था? आपके ऑप्शन है चोल सम्राट, पल्लव सम्राट, चेरा सम्राट या चालुक सम्राट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, पल्लव सम्राट ने बनाया था महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय के संकुचन को किस रूप में भी जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है हृदय के संकुचन को? ऑप्शन है आपके सिस्टोल, एरिस्टोल, डिस्टोल या लो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, सिस्टोल जाना जाता है हृदय के संकुचन को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजाति रचता इंडिका निम्नलिखित में किसका वनस्पति नाम है? किसका वनस्पति नाम है दोस्तों आजाति रचता इंडिका? ऑप्शन है आपके गुलाब का पौधा, सेब का पेड़, नीम या आम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, नीम को कहा जाता है, नीम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नीम को क्या कहा जाता है? आजादी रचता इंडिका। ठीक है दोस्तों, नीम को इसका नीम आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत हाल ही में ऐशगाबाद समझौते में शामिल हुआ है, यह समझौता संबंधित है? तो आपकी ऑप्शन है अंतर्देशीय नदी जल बंटवारे में, पारंपरिक ऊर्जा के विकल्प से या अफगानिस्तान में सैन्य सहयोग से या अंतर्राष्ट्रीय परिवहन से। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में के ऐशगाबाद समझौते के तहत भारत शामिल हुआ है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन से इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऐशगाबाद समझौते के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त वर्ष 2018 से 2019 के बाद आम बजट के अनुसार सरकार की सर्वाधिक आमदनी होती है, तो किसकी वजह से होती है? ऑप्शन है
केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, आयकर से, ऋण से, या वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी से? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, जीएसटी से, यानी वस्तु और सेवा कर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल का घनत्व क्या होता है? दोस्तों ऑप्शन है आपके 0 डिग्री सी पर अधिकतम होता है, 0 डिग्री सी पर न्यूनतम होता है, -4 डिग्री सी पर न्यूनतम होता है, या 4 डिग्री सी पर अधिकतम होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर सबको पता है, डी, 4 डिग्री सी पर मैक्सिमम यानी अधिकतम होता है जल का घनत्व, जैसा कि आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, 100 डिग्री सी पर, ये 4 डिग्री पे जल का जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, यानी डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब केमिकल चेंज नहीं है? तो आपके ऑप्शन है फलों का पकना, दूध का दही बनना, भोजन का पचना, या जल का हिमीकरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, जल का हिमीकरण क्या है? एक फिजिकल चेंज है, यानी भौतिक परिवर्तन है, और जो बाकी तीनों हैं वो क्या है दोस्तों? केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन, यानी जल का हिमीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, यानी इसका तो डी आंसर ठीक होगा, डी पे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है, कार्बन के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो आपके ऑप्शन है 12, 14, 10 या 6। तो दोस्तों कितने न्यूट्रॉन होते हैं? डी, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना दोस्तों? आप लोगों को पता होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ही द्रव्यमान संख्या होती है ना, एम इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उससे हम लोग पहले उसे निकाल लेंगे, 12 - 6 करेंगे यानी 12 में से 6 जाएंगे, तो आपका 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? आपके ऑप्शन है N2O, N2O3, NO2 या N2O5। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, N2O5 को क्या जाना जाता है? एनहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी तारे की दीप्ति किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों किसी तारे की दीप्ति यानी ल्यूमेन इंटेंसिटी किस पर निर्भर करती है? तो आपके ऑप्शन है केवल उसके अमाप और तापमान पर, उसके अमाप और पृथ्वी से दूरी पर, उसके अमाप तापमान और पृथ्वी से उसकी दूरी पर, या उसके अमाप तापमान और द्रव्यमान पर। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? उसके अमाप और पृथ्वी से दूरी पर, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, यानी तारे की जो ल्यूमेन इंटेंसिटी होती है, दीप्ति बोलते हैं जिसको हिंदी में, उस वो किस पर निर्भर करती है? उसके अमाप और पृथ्वी से दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाप अंगार गैस है? तो कौन सी गैस है भाप अंगार गैस, जैसे स्टीम गैस बोलते हैं दोस्तों, वेपर। तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों, आपको सबको पता होगा, ए, कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सर होती है, CO+H2 का मिश्रण ही भाप अंगार गैस होती है, यानी ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, भाप अंगार गैस जैसा कि तस्वीर में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोती मस्जिद निम्नलिखित विश्व विरासत स्थलों में से किस में स्थित है? तो किस में स्थित है? आपके ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, लाल किला परिसर, या डी, कुतुब मीनार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? मोती मस्जिद किस विरासत स्थल में स्थित है? सी, लाल किला परिसर में, यानी रेड फोर्ट में दिल्ली के, है ना दोस्तों? मोती मस्जिद वहीं स्थित है ना, देख लीजिए आप तस्वीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का? आपके ऑप्शन है दीपक मिश्रा, ओम प्रकाश मिश्रा, जस्टिस खेहर, या डी, नसीम जैदी। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, करेंट आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे तो पता होगा, ए, दीपक मिश्रा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तस्वीर में आपको पता चल गया होगा, यही है दोस्तों दीपक मिश्रा, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीतल किसकी उपस्थिति के कारण हवा में बेरंग हो जाता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण हवा में बेरंग हो जाता है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल हवा में बेरंग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन गैसों का वेल्डिंग में उपयोग होता है? वे हैं, तो दोस्तों किन गैसों का उपयोग होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एसिटिलीन या CO2, या ऑक्सीजन या एसिटिलीन, या ऑक्सीजन एसिटिलीन, या एंड ऑर्गन। तो दोस्तों इसका किसका होता है वेल्डिंग में? ऑक्सीजन है और एसिटिलीन का मिश्रण का यूज होता है, ठीक है दोस्तों, बिल्डिंग में, गैस बिल्डिंग में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल के बजट में प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना में निवेश करने की अधिकतम सीमा कर दी गई, तो कितनी कर दी गई है? ऑप्शन है आपके 5 लाख रुपये, 7.5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, या 15 लाख रुपये। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, 15 लाख रुपये प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना में निवेश करने की अधिकतम सीमा कर दी गई है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा के दौरान बच्चों में होने वाले तनाव के संदर्भ में पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए, फिर भी ऑप्शन बोल देता हूं मैं। निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी या प्रकाश जावड़ेकर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत के प्रधानमंत्री सी नरेंद्र मोदी ने ही एग्जाम वॉरियर पुस्तक लिखी है, जो कि परीक्षा के समय जो की तनाव होता है उसको बच्चों को सिखा सके कुछ चीज। ठीक है दोस्तों, एग्जाम वॉरियर यही है दोस्तों, एग्जाम वॉरियर बुक जिसकी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिखी है, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट है मॉक टेस्ट का हमारा। पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो क्या थी दोस्तों पल्लवों की राजधानी? ऑप्शन है बातापी, कांचीपुरम, हस्तिनापुर या मगध। तो दोस्तों पल्लवों की राजधानी क्या थी? बी कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम थी पल्लवों की राजधानी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताइएगा कि आप लोगों को इन 40 क्वेश्चन में कितने आते थे, और सच सच बताना आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, अगली सीरीज में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करने का उस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको रोजाना जीके से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू।